मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एनआरसी और सीएए को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार विरोध करते रहे। उनके विरोध करने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। उन्होंने जो बयान दिया वह भी एकदम संवैधानिक था। लगता था कि देश के सौहार्द को बनाकर रखना चाहते हैं। जिस तरह उन पर लगातार आरोप लगाया जाता है कि वह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, उनकी पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती है। एक बार ऐसी घटना हुई है या सामने बिल्कुल आई है और उसकी निंदा भी की जाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को हम यदि लगातार देखते हैं इस दौरान, तो उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा था कि हम इस कानून का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन यदि यह प्रदर्शन हिंसा का रूप लेता है तो हम हाथ खींच लेंगे और पीछे चले जाएंगे, फिर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे इसके विरोध में। यह उनकी बहुत ही बड़ी बात थी। इससे शायद बहुत सी राजनेताओं ने सीख भी ली होगी। लेकिन इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा निशाना लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे। हम बात करते हैं बीते दिन की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने कहा था कि वह अपने प्रदेश में भी एनआरसी को और नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी कानून हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे जो संविधान के विपरीत होगा, संविधान के आर्टिकल 14 का यह खिलाफ है यह कानून जो लागू किया गया है। उन्होंने इस बात को भी सामने रखा। तो अब जब संविधान की जो कानून संविधान के उलट है, संविधान को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तो उसको लागू करने में वाकई में एक परेशानी होगी राज्य सरकारों को। लेकिन इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और एक मांग रखी है जगन मोहन रेड्डी से। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आपने एनआरसी का और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है, उस तरह आप एनपीआर का भी विरोध करें, जो अब जनगणना को लेकर के बात होने वाली है, जो अब उसमें आपसे जानकारियां ली जाएंगी, तो आप एनपीआर का भी विरोध करें, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ खड़े हैं और देश भर के सभी नेता और सभी दल यहाँ पर मौजूद हो जाएं एनपीआर को लेकर भी। लेकिन अभी तक जगन मोहन रेड्डी ने इसके संबंध में किसी तरह का बयान नहीं दिया है। लेकिन यदि उनके पुराने बयान को देखा जाए, एनआरसी को लेकर जो बयान दिया था, तो यहां से बिल्कुल साबित होता है कि वह एनपीआर का भी विरोध करेंगे, वह एनपीआर के भी खिलाफ खड़े होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं लगातार, और हम आपको बता दें जगन मोहन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल हैं जो अभी वो सरकार चला रहे हैं, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कही जाती है आंध्र प्रदेश में। तो जगन मोहन रेड्डी का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो उनसे मांग रखी है, तो क्या उनकी यह मांग पूरी हो पाएगी? क्या सारे देश के जिस तरह एनआरसी को लेकर विरोध कर रहा था सारा देश, क्या एनपीआर के विरोध में भी सारा देश खड़ा हो जाएगा? यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने किसी तरह का विवादित बयान नहीं दिया है। वह लगातार देश के संविधान को, देश के सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह इसमें सफल हो पाएंगे? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी राय महत्वपूर्ण है, आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है, अपना लाइक करना भी ना भूलें। कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।